अच्छा, तो हमजा भाई इसके बाद आप ये बताएं कि जो भी लाइसेंस है, लाइक इधर आती हैं तो फोटो आईडी बनानी पड़ती जी है जी जी उसकी, मतलब कि जो स्टूडेंट वो या वहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से बांग्लादेश से यहाँ भी आते हैं उनको सबसे पहले फ़ोटो आईडी लेनी पड़ेगी ना, तो उसकी क्या प्रोसीजर है उसकी? अच्छा, ये फ़ोटो आईडी जो है ये बेसिकली मैं कहता हूँ कि आपको बनानी चाहिए आते ही। इसका ये प्रोसीजर होता है, आपको ना मतलब पासपोर्ट लेके, और आई थिंक अगर आपका बैंक कार्ड्स वगैरह सबसे बने पहले हों, बैंक भी अकाउंट जी बनाना जी चाहिए, अकाउंट बनाए सबसे पहले, सबसे पहले आने जब आते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट जी बनाए, जी कॉमनवेल्थ बैंक में या किसी भी बैंक में। ANZ है, काफ़ी बैंक्स हैं वैसे, मतलब ज़्यादातर तो कॉमनवेल्थ स्टूडेंट को, यूज़ करते स्टूडेंट हैं। का वो फ्री होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं हाँ, होती आप वो बनवाएं, उसके सबसे पहले बाद जो है वो। वो एक सर्विस न्यू साउथ वेल्स मतलब एक है, आप वहाँ गूगल पे सर्च कर लें नियरेस्ट सर्विस न्यू साउथ मतलब हमने वेल्स, फोटो आईडी बनानी है जी ये आप स्टेट वहाँ में। पे जाएं, उनके पास अपना पासपोर्ट ले जाएं, बैंक कार्ड्स ले जाएं, वहाँ पे जाएं कि हमने फ़ोटो आईडी बनानी है, जी फिर सर, वो सिंपल आप, वर्ड में ये कह सकते पाकिस्तान में आईडी कार्ड्स हाँ ना, सीआरई हाँ से। ऐसे ही है बिल्कुल, अच्छा आप अच्छा जो है वो अपना फिल आउट करें, फॉर्म उन्हें दें, फिर वो जो आपका मेल एड्रेस होगा वो उस पर वो भेज देंगे। भेज देंगे। जी तो उसके बाद आप फर्ज करें एक तो फोटो आईडी का हो गया, फिर लाइसेंस का हो गया, गाड़ी का लाइसेंस भी वो आप क्या बता रहे थे RTA, उनको जाके कंप्यूटर पे टेस्ट देना पड़ता उसके बाद। इसके बाद आ जाता जी आप डिफरेंट किसी भी, फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन की या किसी फो ये मार्केट वगैरह में, किसी वेयर हाउस में, वहाँ पे फोकलिफ्ट चलानी होती है, कोई भी और जॉब्स होती हैं, तो उनके लिए क्या सीन है, उनके लिए क्या प्रोसीजर, कितनी फ़ी होती है, और ये जो फ़ोटो आईडी है इसकी कितनी फ़ी है डॉलर में ना? यार, ये एक्चुअली मुझे ना अभी 5-6 साल पहले मैंने फ़ोटो आईडी बनाई थी, तो अभी सॉरी मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं है। मैं जी बता रहा जी हूँ इसकी फ़ोटो आईडी की फ़ी 50 to 60 डॉलर के जी जी करीब है ना। अराउंड इतनी होगी अच्छा, बिल्कुल। और फोकलिफ्ट लाइसेंस मैंने तो नहीं बनवाया वैसे लेकिन ये वो। अगर आप ये बता सकते हैं कि किसी इसके बेनिफिट है, बहुत ही ऊपर जी, अपॉर्चुनिटी ओपन देखें होती। आपके पास जितने लाइसेंस हैं ना आप अपने पास रखें, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो मतलब मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, जैसे फोकलिफ्ट लाइसेंस है, वाइट कार्ड है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, और इसके वो अलावा सिक्योरिटी लाइसेंस, सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के। लाइसेंस है, और मतलब ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें आप रखें, चाहे आपको नहीं ज़रूरत। वो हाई बिल्डिंग पे काम करने वालों का हाई एग्जैक्टली वो हाइट एग्जैक्टली पे जी वो जी लाइसेंस है। एग्जैक्टली काफ़ी लाइसेंस हैं। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इस वजह से स्टेप बाय स्टेप सारे जी, लाइसेंस आप लेते सारे हैं लाइसेंस और लेते हर हैं लाइसेंस की आपकी एक एक दो दो दिन की क्लास होती है, तो उनकी फ़ी होती है वो जमा करना। लाइक मतलब जी फोकलिफ्ट जी ये वो होता है जो आप जैसे पाकिस्तान में वार्डन वाले गाड़ी उठाने के हाँ लिए हाँ वो गाड़ी वो छोटी सी उठा लेते हैं, उसे लिफ्टर कहते हैं लिफ्टर मेरे कहते हैं, ख्याल से बिल्कुल वहाँ पे लिफ्टर, ना। तो उसे उसको इधर फोकलिफ्ट कहते हैं। तो ये हर जगह पे इसकी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, मतलब आपको पता है जैसे जितने सिटीज़ होते हैं वहाँ पे मार्केट्स होती हैं, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट्स, वहाँ पे आपका बहुत इजी होता है जॉब हासिल, कोई फर्टिलाइज़र की शॉप है या वेयर हाउस है वहाँ पे, और भी कितने वेयर हाउसेज होते हैं, सुपर मार्केट्स तो होते हैं वहाँ पे, ये ज़रूरी होता है। तो उसके अलावा वाइट कार्ड जो है वो बेसिकली होता है जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में कहीं भी जॉब करनी है, उसके लिए जो फर्स्ट एड होता है वो मतलब बेसिकली आपके हेल्थ के रिलेट होता है कि आप फिट हैं, जैसे आपने सिक्योरिटी करनी है आपको वो चाहिए होता है, कंस्ट्रक्शन में जॉब करनी है वो चाहिए होता है। सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस अलग से होता है। यार देखें, जो सिक्योरिटी का लाइसेंस है ना, बेसिकली मैं न्यू साउथ वेल्स में ही रह रहा हूँ शुरू से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में या क्वींसलैंड में इजी है काफ़ी बनाना ना, लेकिन न्यू साउथ वेल्स में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नहीं बना सकते। विक्टोरिया के रूल्स आई थिंक बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, कोई उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको 1 साल वहाँ पे रहते होना चाहिए। साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक बींग अ स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ये होता था कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते थे, दूसरी स्टेट में चले जाते थे, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, कैनबरा है, या मतलब वेस्टर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे क्लासेस लेके प्रॉपर वे में सिक्योरिटी लाइसेंस लेते थे और दोबारा न्यू साउथ वेल्स में आके मतलब ट्रांसफ़र करवा लेते थे, लेकिन अब इन्होंने रिसेंटली बंद कर दिया था तो वो नहीं थे कर रहे, उन्होंने एप्लीकेशन शायद काफ़ी आपने रिजेक्ट भी की। लाइसेंस ऐसे ही लिया था ना, मतलब ये हाँ किसी जी दूसरी स्टेट में जाके। अच्छा, जी जी तो इसके बाद बताएं